गाय जो है ना ये भाग रही है कैसे, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। ये नाजरीन ये यहाँ पे जो है जिस्म फरोशी का धंधा होता है, ये यहाँ पे हम हमारी कोशिश है, ये भाग रही है। बात सुनो, ये काम क्यों करती हैं आप, क्यों करती हैं? ये देखें मुझे धक्का दिया इन्होंने। आप यहाँ पे रोज़ खड़ी होती हैं, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे रोज़ का मामूल है। वो उधर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये देखें नाजरीन ये कैसे यहाँ पे जो है ना जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है। आप यहाँ क्यों खड़ी होती हैं, आप यहाँ क्यों खड़ी होती हैं? काम शी मेला मिलके नहीं है, और भी लोग हैं आपके, और साथी कौन है? ये देखो जी यहाँ पे जो ख्वाजा सराओं की भी लाइन लगी हुई है, कबशी का धंधा करती है, और हमने माइक निकाला है तो ये कैसे देखें भाग गई है यहाँ से। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, वो वहाँ पे जो है हमने देखा है, जैसे ही हमने देखा तो वो यहाँ से फरार हो गई हैं। और वो देखें नाजरीन मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कैसे वहाँ पर, ये बिल्कुल सफाया हो गया जी उनका, ऐसे दुम दबा के भागी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हमने कैमरा जो है वो ऑन किया है, और जैसे ऑन किया हम उनकी तरफ गए हैं तो बिल्कुल मैदान खाली। खैर वक्फे वक्फे से ये और जो है दोबारा भी आएंगी तो हम जो है ना फिर इनके ऊपर ज़रा अटैक करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये एक खातून है, इनसे हमने बात की है तो ये कहती हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये रोज़ का मामूल है, यहाँ पे रोज़ का काम है। ये हमने इनसे बात की है, ये कैसे भाग रही हैं, देखो चल रही हैं। सुने खातून बात सुने, आप रोज़ यहाँ पे खड़ी होती हैं, आप क्यों खड़ी होती हैं? आप यहाँ पे रोज़ खड़ी होती हैं, क्यों खड़ी होती हैं? इस ये नीचे वाली बात ही नहीं, हमने आपको रंगे हाथों देखा है। गलत, आप यहाँ पे रोज खड़ी होती हैं, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे रोज का मामूल है। वो उधर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हर बंदा कह रहे हैं। आंटी आप रोज यहाँ पे खड़ी होती हैं, क्यों खड़ी होती हैं? मैंने खड़ी होती हूँ, मैंने कई लोग खुद आपको अपनी आंखों से देखा है, खड़ी होती मैंने आपको खुद अपनी आंखों। ये देखें किस तरह से नाजिन, ये भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ये काम होता है। ये कैमरा मैन इधर देखिए, यहाँ ये रोज खड़ी होती है, रोजाना ये लोग इधर उधर जाती है। ये देखें अब चौकीदार कह रहे हैं वो उसकी आप बजे तक इधर देर लग जाता है यार। कितने लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं इधर, वीडियो ना बनाओ बाकी क्या नहीं। आप वीडियो अच्छी बात है, आप अगर यहाँ पे सबको बताएंगे कि ये हो रहा है काम। अच्छा कितने अरसे से ये लोग खड़ी हैं? बहुत अरसे से खड़ी हैं यार ये यार। यहाँ पे कभी आप इनके पास गए हो उनसे बातचीत करने की कोशिश? हम नहीं ऐसे यार। नाजरीन ये देख लें रंगे हाथों पकड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि यह रोज़ का मामूल है। कैसे उसने अपनी जो है ना उन खातून ने अपनी जो है वो बिल्कुल बात ही चेंज कर दी है जी। बूढ़ी औरत है, उसके शर्म नहीं आती, ये काम कर रहा है, हमें इसमें क्या बताएं। यहाँ पे जवान खातून सब बहुत लोग आते हैं इधर, और कौन खुश है? ख्वाजा सर नहीं, इधर बारिश हुई है खुसरो की, अल्लाह माफ़ी दे यार। आप इनको मना क्यों नहीं करता? आपके पास गन भी है, हर चीज़ है। यार ऐसे कोई डरता है? मैं तो सिर्फ दुकानों के लिए हूँ, इसके लिए तो नहीं हूँ। अच्छा नाजीन आप लोगों ने देखा है खुद, हमने अपने हाथों से पकड़ा यहाँ पे ना रोज़। मैं भी इस चीज़ की तहकीक कर चुका हूँ। ये जो रोड है वो है बरकत मार्केट से, हम जब आए ना इसकी तरफ जिना हॉस्पिटल की तरफ, तो ये पूरा रोड इन्होंने ऐसे ही बस उसका सत्यानाश किया हुआ है। यार रोज़ जिस्म फरोशी होती है, ख्वाजा सरा भी होते हैं। स्टार्ट में उस तरफ अगर आप जाएँ मुगले आज़म रेस्टोरेंट है बरकत मार्केट की तरफ, तो हाथों पकड़ेंगे यहाँ पर। ये देखें नाजीन ये कैसे यहाँ पे जो है ना जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है। आप यहाँ क्यों खड़ी होती हैं? ये ना मुझे आप यहाँ क्यों खड़ी होती हैं? हमने ये वही खातून है जो भागी थी, हमने इनको जो है ना वो पकड़ा था। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप हम वैसे खड़े हैं। अच्छा आप ये क्यों करती हैं? हम शीमेल, हम लड़के नहीं हैं। फिर भी है आप शीमेल हैं, आप क्यों खड़ी होती हैं? मतलब कोई और काम कर लें।
अच्छा मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे ख्वाजा सरा भी हैं, वो एक खातून थी, वो उनकी लीडर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रोज का मामूल है, बहुत भाई ज्यादा यार है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं इधर डेली गुजरता हूँ भाई, 10-15 खड़े होते हैं इधर। अच्छा डेली क्यों गुजरते हैं? भाई मेरी दुकान है इधर मड़िया सराब में। अच्छा, कितनी लड़कियाँ भी होती हैं ये ख्वाजा? इधर भी खड़े हैं ख्वाजा सराब भी, लड़की भी, और साथ उधर भी खड़े हुए भाई पिछले बाग। अच्छा वो खड़े ने ये भाई लड़कों से पैसे लेते हैं, बुकिंग लेते हैं, गैप हो जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ, गाड़ियों में ले जाते हैं 500, 1000, 1500, 2000 मंगा लेते हैं, ठीक है गड्डिया ले। ग्यारह वजन की देर आ, डॉल्फिन वाले नुक्कड़ से खड़े होंगे, इतने खड़े हो गए। अच्छा डॉल्फिन वाले उनको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहते भाई, वो पीछे खड़े हैं इस टाइम। वैसे नाज़रीन आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ, मैं हर एक जब हम स्टोरी कवर करते हैं तो थोड़ी सी पहले रेकी करते हैं। जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो यहाँ पे जो है ना पुलिस खड़ी हुई थी, 2-3 पुलिस वाले, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो डॉल्फिन भी वहाँ पर मौजूद थी, डॉल्फिन बाकायदा गुजर रही थी, देख के इनके पास रुक के गई है, रुक के गई है, इन्होंने कुछ नहीं, डॉल्फिन वालों ने कुछ नहीं कहा, उन्हें रिश्वत भी लेते हैं, यही तो मामूल है, ये तो ऐसा होना है, बिल्कुल होना है। आए हम आपको और दोबारा आगे चलते हैं और देखते हैं कि देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो है ना, ये रोज जिस्म फरोशी का धंधा, ये रोज रोज जिस्म। लाइट जरा ऑन करें सारे, प्लीज आपकी मेहरबानी, हम जिस्म फरोशी नहीं करें, हमें जरूरत नहीं ये भाई पैसे। ये देखें ये रंगे हाथों, ये रंग पैसे लेके भागे भाई, पैसे लेके भाग जाते हैं भाई। आपने पैसे क्यों दिए भाई? मैंने नहीं दिए, दो लड़के पहले आए थे भाई, देखो इधर आज यहाँ पर इतने, ये लोग भी बड़े रुक रहे हैं, मतलब रोज का मामूल है। अच्छा आप यहाँ क्यों खड़े होते हैं? और भी लोग हैं आपके, और साथी कौन है? ये देखो जी यहाँ पे जो ख्वाजा सराओं की भी लाइन लगी हुई है, कभी कभी यहाँ पे होता है, वो देखो ये कैसी गैर इखलाकी बात हो रही है, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है खाने के लिए, किसने माली इधर तामन किया है कैमरे में देख, कैमरे में तुमने ये क्या बात की? अब ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, आपको पता है आप मजाक उड़ा रहे हो किसी का, हम फेमस हो जाएंगे, ये फेम के लिए गालियां दे रहे हो, ये साली आप फेमस नहीं होगे, आप फेमस नहीं होगे, आप रुस्वा होगे, आपने गाली दी है, ये साली बच्चों को खराब करती है, इधर रोज आती है ये। ये यहाँ पे आप यहाँ पे जो जिस्म फरोशा, ये यहाँ पर जो है इतना एक माशरा खराब हो चुका है, रंगे हाथों, ये देखें जिस्म फरोशी का नाज़रीन, ये आप यहाँ पे क्यों करती हैं? ये देखें मुझे धक्का दिया इन्होंने, ये नाज़रीन ये जो है ना ये भाग रही है कैसे, इधर ये नाज़रीन, ये यहाँ पे जो है जिस्म फरोशी का धंधा होता है, ये यहाँ पे हम हमारी कोशिश है, ये भाग रही है, बात सुनो, ये काम क्यों करती हैं आप? ये हमारी जो ये टीम है, ये देखें कैसे यार जिस्म फरोशी का धंधा ये लोग करती हैं, हम जो है ना कोशिश ये है कि आपको सारे मनाजर दिखाएं यहाँ पर किस तरह से वो फरार हुई है, ये हो रहा है इस माशरे में, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, आज हमने रेड मारी है यहाँ पर रोड पे, वो भाग रही है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, ना पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, मकामी लोगों का ये कहना है कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। आज हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है आपको, इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, इस ये जो वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि किसी भी लड़की को, किसी भी खातून की इज़्ज़त व नफ्स को मजरूह करना है, लेकिन ये काम ख़त्म कब होगा? अच्छा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतने सारे कॉलेजेस हैं, बस स्टैंड है यहाँ पे, अगर कोई शरीफ खातून खड़ी भी हो तो लोग तो यही समझेंगे ना कि वो भी ऐसी है, ये है माशरा हमारा। खुदारा कुछ कीजिए, मेरी गवर्नमेंट से अपील है, इमरान खान साहब से अपील है कि इनके लिए कुछ करें, ये माशरा इस तरह से कब तक हम इस माशरे को कब तक हम ऐसे रखेंगे? बच्चे देखें चस्के लेने आए हैं, हम पहुँचे हैं तो बच्चे भी चस्के लेने के लिए आ गए हैं। इसी के साथ ही हम दो शतनान को इजाज़त दीजिए, नज़ायर न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये जो वीडियो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।